फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कि आप लोग हमारी वीडियोस इतनी पसंद कर रहे हो। दोस्तों मेरा नाम है सोहेल और आज मैं मार्केट के सबसे अच्छे कैमरा फोन्स के बारे में बताऊंगा अंडर 40,000 रुपीज दैट यू कैन कंसीडर फॉर बेटर रिजल्ट्स। हाँ तो देवर और देवरानियों, जेठ और जेठानियों, होने वाले नाना और नानियों, हमने सबसे अच्छे फोन से सिलेक्ट किए हैं, कैमरे पर ज्यादा फोकस किया है, पर सिर्फ कैमरे पर ही नहीं किया है क्योंकि फोन ले रहे हो ना कि कैमरा। बाय द वे बहुत ही काम की वीडियो है एंड ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी डेफिनेटली। वेल देखो पहले मैं एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा देन कैमरा फोन्स की लिस्ट शुरू करूंगा एंड कैमरे के बाद बैटरी परफॉर्मेंस डिस्प्ले इन पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि हम खर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स शुरू कर दें, अगर नहीं देखना चाहते तो एक दो मिनट की वीडियो आगे बढ़ा सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। देखो 40,000 के बजट में ना कुछ फोन्स में टेलीफोटो लेंस दिया जाता है, अब इसका काम जरा समझ लो। टेलीफोटो लेंस काफी बढ़िया लेंस है, मेरा फेवरेट लेंस है और जिस भी फोन में टेलीफोटो लेंस दिया जाता है उसके कैमरे में चार चांद लग जाते हैं। टेलीफोटो लेंस का काम होता है कि जब आप कोई भी फोटो ले रहे हो उसे जूम करते हो तो उसे फटने ना दे। हर लेंस की क्वालिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। कोई टेलीफोटो लेंस 2x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है, कोई 3x, कोई 5x, कोई 10x भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब है अगर 2x सपोर्ट करता है मतलब ये है कि अगर आप उसे 2x जूम करते हो तो वहां तक उसकी जो फोटो की क्वालिटी है वो डाउन नहीं होगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे डाउन होना शुरू होगी। लेकिन अगर किसी फोन में टेलीफोटो लेंस नहीं दिया हुआ तो उस फोन में जूमिंग इतनी अच्छी नहीं मिलती। सो टेलीफोटो लेंस इस तरह से काम करता है और ये कैमरे में बहुत ही बढ़िया लेंस है, अगर किसी में मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। देखो इस बजट में ना आपको USB टाइप सी मिलेगा लेकिन टाइप सी के भी अलग अलग वेरिएंट है। यहाँ पर आपको नॉर्मली 2.0 या 3.1 मिल जाएगा। अब ये ज्यादा होने का क्या बेनिफिट होता है? देखो यहाँ मेन बेनिफिट यही है कि डाटा ट्रांसफर रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 2.0 मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है 480 Mbps लेकिन 3.1 में 5GB तक चली जाती है। इसके अलावा USB 2.0 ओनली 2.5 वाट का ही पावर डिलीवर कर सकता है जबकि 3.1 15 वाट का पावर डिलीवर कर सकता है जिससे कि डाटा ट्रांसफर रेट बढ़ जाती है और अगर कंपनीज चाहें तो फास्ट चार्जिंग भी बहुत ज्यादा कर सकती है। हालांकि ये डिपेंड करता है स्मार्टफोन कंपनीज पर कि वो फास्ट चार्जिंग कितनी ज्यादा बढ़ाती है। इस बजट का अगर एक फोन ले रहे हो तो वो सिर्फ ये मत देखना कि टाइप सी है, ये देखना कि उसका कौन सा वर्जन है। नेक्स्ट है आईपी रेटिंग। इन बजट के फोन्स में ज्यादातर आपको आईपी रेटिंग्स मिल जाती है। अब ये आईपी रेटिंग होती क्या है? बहुत से फोन्स में आपने देखा होगा IP68, 67, 54, 53, तो इसका मतलब क्या होता है? चलो बात करते हैं। देखो यहाँ पर दो नंबर्स लिखे होते हैं, मैक्सिमम अभी है 68। अब ये 68 दोनों को एक साथ नहीं देखते। 6 होता है डस्ट के लिए, 8 होता है वाटर के लिए। डस्ट के लिए कंपनीज ने ये एक लेवल्स बना रखे हैं, यहाँ सबसे टॉप लेवल है 6। इसका मतलब होता है कि फोन बिल्कुल डस्ट रेजिस्टेंट है, डस्ट फोन में नहीं घुस सकती या डस्ट जाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहीं पर अगर 6 की जगह 4 है, 5 है, इसका मतलब है कि डस्ट से रेजिस्टेंट थोड़ा कम है। सेकंड आता है वाटर के लिए, यहाँ पर भी कंपनीज ने जो लेवल्स सेट किए हुए हैं उसमें सबसे ऊपर है 8। अगर किसी फोन में IP68 रेटिंग मिलती है मतलब कि डस्ट से भी पूरी प्रोटेक्शन है और वाटर से भी बिल्कुल प्रोटेक्ट रहेगा आपका फोन, घबराने की बात नहीं है मुन्ना, और फिर बस अपने फोन को पानी में लेकर कूद पड़ो। लेकिन अगर 8 की जगह यहाँ 7, 6, 5, 4 कुछ और नंबर्स होते हैं तो इसका मतलब है कि लेवल डाउन हो गया और 4 या 5 होने पर तो वो वाटर रेजिस्टेंट होता भी नहीं है, वो सिर्फ स्प्लैश रेजिस्टेंट होता है कि अगर थोड़े बहुत छींटे लग जाते हैं तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है पर आप उसे पानी में डुबो नहीं सकते। बट अगर 7 या 8 रेटिंग होती है तो वहाँ पर कंपनी एक लिमिटेशन देती है कि इतनी देर तक इतने मीटर पानी में आप इसे रख सकते हो। सो ओवरऑल आईपी रेटिंग कुछ इस तरह से काम करती है। वैसे आईपी रेटिंग ना हर कंपनी को अलग से परचेज करनी होती है, इसके लिए अलग से पैसे देने होते हैं और टेस्टिंग के बाद आईपी रेटिंग दी जाती है। तो अगर आप 40-50,000 के अराउंड कोई फोन परचेस करने वाले हो देन ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वैसे और भी चीजें हैं, फिलहाल दो ही मैंने बताई हैं। ज्यादा ज्ञान चाहिए तो मेरी पुरानी वीडियोस चेक आउट कर सकते हो। फोन्स की लिस्ट शुरू करते हैं, चलो बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं Vivo V29 Pro से। Vivo का ये लेटेस्ट फोन है, हालांकि ये सीरीज मुझे कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी, पर हाँ कैमरे की बात चल रही है तो कैमरा इसका काफी बढ़िया है, बाकी चीजों की बातें बाद में करेंगे, पहले कैमरे की बात करते हैं। हाँ तो देवियों और सज्जनों, यहाँ पर मिलता है 50 MP का वाइड लेंस OIS के साथ, 12 MP का टेलीफोटो लेंस भी है और ये टेलीफोटो लेंस 2x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है और 8 MP का अल्ट्रा वाइड। अब आपको दिखाता हूँ कैमरा सैंपल्स, आंखें फाड़ कर देख लेना, बाद में मत कहना दिखाया नहीं। देखो ये जो कलर प्रोड्यूस करता है इसे हमने मल्टीपल फोन्स के साथ कंपेयर किया, अभी मैं इसे पिक्सल 7a के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर ना देखो कलर से थोड़े से बूस्टेड है, पिक्सल 7a को अगर देखोगे तो काफी नेचुरल साइड रहता है पर ये भाई साहब थोड़ी सी सेचुरेशन बढ़ा देते हैं। हालांकि कुछ केसेस में 10 में से मैं कहूंगा 5 या 6 फोटोज में आपको ये सेचुरेशन बढ़िया लगेगी, पर हाँ कुछ जगह पर अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो थोड़ा अजीब लगता है। वैसे देखो कुछ लोग तो नॉर्मल फोटोज का गैलरी में जाकर सेचुरेशन बढ़ाते हैं, उसे एडिट करते हैं। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसको क्या पसंद है, किसी को अरिजीत सिंह पसंद है तो किसी को हनी सिंह। ओवरऑल देखो डेलाइट फोटोग्राफी काफी बढ़िया कर सकते हो, कलर बैलेंस ये अच्छे से कर रहे हैं और सबसे अच्छी चीज की जूमिंग के अंदर ये काफी अच्छा काम करता है। टेलीफोटो लेंस जो कि 2x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है, इसका फायदा ये है कि 2x तक आप जब जूम करोगे तो क्वालिटी डाउन नहीं होगी,
हाँ उससे ऊपर करते हो 3x, 4x, वहां से क्वालिटी डाउन होना शुरू होगी। तो टेलीफोटो लेंस होने का बेनिफिट यही होता है कि जूमिंग के वक्त ये फोटो की क्वालिटी मेंटेन करके रखता है। अभी देखो इस मकबरे की फोटो 1x पर ली गई है। क्लियरली देख सकते हो कि वीवो में सेचुरेशन ज्यादा है और जो पेड़ पौधे हैं ये काफी हरे भरे लग रहे हैं। वैसे सच बताना छोटे ताजमहल जैसा नहीं लग रहा, बस मीनारों की कमी है। वेल ओवरऑल अगर देखा जाए काफी बढ़िया कैमरा है। लो लाइट में अगर देखें तो लो लाइट में भी ये काफी बढ़िया काम करता है। डार्क पार्ट्स को ये थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा देता है जिससे कि थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्स आ जाती है। अब अगर मैं आपको लो लाइट वीडियो दिखाऊं तो देखो ये मकबरा काफी ज्यादा ब्राइट लग रहा है। ये 4K 30fps पर वीडियो शूट हो रही है, कलर का अच्छा खासा डिफरेंस है और यहाँ पर ये फ्लावर्स जमीन आसमान का फर्क हो गया और ये थोड़ा ज्यादा हो गया। सो ओवरऑल वीवो ना थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा देता है, ब्राइटनेस थोड़ी सी आपको ज्यादा मिलेगी और ये एक अच्छी चीज है। हालांकि अल्ट्रा वाइड आप यूज नहीं कर सकते 4K 30fps वीडियोस में, उसके लिए आपको 1080p पर शिफ्ट होना पड़ेगा। और हाँ फोटोज में भी अल्ट्रा वाइड कोई ज्यादा काम का नहीं है। सेल्फी कैमरा वैसे वीवो V29 Pro का कमाल का है, पर मैं सेल्फी नहीं लूंगा क्योंकि मेरे चेहरे पर हो रहे हैं दाने और तुम दोगे ताने। तो मैं चला अदर स्पेक्स बताने। ओके अब जरा कैमरे को साइड में रखो, यहाँ पर मैं कैमरे की शॉप खोलकर नहीं बैठा हुआ। देखो इसका वेट ना काफी नॉर्मल सा है, थिकनेस काफी कम है, ये चीज मुझे अच्छी लगी। ग्लास बैक मिल जाता है, ओवरऑल डिजाइन काफी बढ़िया है। कर्व डिस्प्ले है, चिन कम है, पंच होल डिस्प्ले है और पीछे ओरा लाइट है जिससे कि नाइट में भी पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हो। हालांकि कोई बहुत कमाल की तो नहीं ले सकते, पर हाँ ले सकते हो। एमोलेड डिस्प्ले है 120Hz की, रिजोल्यूशन काफी बढ़िया रखा है, सो डिस्प्ले क्वालिटी बेटर है। रिजोल्यूशन इन्होंने बढ़ाया हुआ है, पिक्सल डेंसिटी भी ज्यादा है तो कलर्स थोड़े बेटर मिलेंगे। Android 13 मिलेगा, फनटच 13 है इनका। इनका UI थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज हो सकता था। यहाँ पर हमें थोड़े से ब्लॉटवेयर्स वगैरह दिखे हैं। प्रोसेसर है Dimensity 8200। हालांकि Vivo V29 को देखते हुए मैं कहूंगा यहाँ पर फिर भी काफी बेटर प्रोसेसर लगाया गया है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस ये निकाल देगा, पर हाँ टॉप लेवल का नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस और बेटर हो सकता था और ये एक बड़ा रीजन है कि मैं इस फोन को ज्यादा सजेस्ट नहीं करता। पर जिन्हें परफॉर्मेंस से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, डिसेंट परफॉर्मेंस चलेगा, एडिटिंग नहीं करनी, हैवी गेमिंग नहीं करनी, तब ये फोन परफेक्ट रहेगा। डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.3, फिंगरप्रिंट अंडर डिस्प्ले है, 4600mAh की बैटरी ये सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर देखो बैटरी एमएच कम है, डेफिनेटली बैटरी बैकअप भी थोड़ा सा कम है, इस बात का मुझे गम है पर मैं रहूंगा नहीं। बट लिसन 80W की फास्ट चार्जिंग है जो कि आई थिंक आपके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए काफी है। और देखो इन्होंने जो 5G बैंड्स दिए हैं वो टोटली 8 है, जबकि सिर्फ इंडिया में ही टोटली 9 5G बैंड्स लॉन्च हुए हैं। यहाँ पर एटलीस्ट जो इंडिया में 5G बैंड्स लॉन्च हुए हैं वो तो होने चाहिए थे, वैसे जो इसकी प्राइस है उसके हिसाब से 5G बैंड्स और ज्यादा भी होने चाहिए थे, जो कि इंटरनेशनली भी अगर कोई भाई जाए तो वहां काम आए, पर ऐसा नहीं है। सो 5G बैंड्स और हो सकते थे। और हाँ दो स्पीकर नहीं है, सिंगल स्पीकर से काम चलाना पड़ेगा, वो भी 40,000 रुपए में, तो ये चीज भी मुझे अच्छी नहीं लगी। और हाँ NFC अगर काम का है तो भाई NFC भी नहीं मिलेगा। ओवरऑल देखो कैमरा कमाल का है, कैमरे के लिए इसे कंसीडर किया जा सकता है, पर अभी रुक जाओ और भी फोन बताने वाला हूँ, पिक्चर बाकी है। पर इसके अलावा देखो परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन है, 5G बैंड्स और हो सकते थे, हालांकि इसमें भी 5G आप अच्छा खासा चला सकते हो, ये कोई मेजर इशू तो नहीं है। पर हाँ डुअल स्पीकर ये मेजर इशू है, दो स्पीकर होते तो बात अलग होती और बैटरी बैकअप भी थोड़ा बेटर हो सकता था। और अब लास्ट में ये इसके कुछ टेस्ट रिजल्ट्स हैं, देख सकते हो क्योंकि कंपनीज मार्केटिंग कुछ और करती है, रिजल्ट कुछ और आते हैं जो हमारा दिल तोड़ जाते हैं। ओके नेक्स्ट अब मेरा फेवरेट फोन है OnePlus 11R या पार, वैसे बता दूं कहीं बाद में बोलो कि यार बताया नहीं कि अभी OnePlus 12R जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। जी हाँ लीक्स तो ये है कि नवंबर में ही लॉन्च हो सकता है, पर अभी लॉन्च नहीं हुआ तो उसके बारे में तो बात नहीं कर सकता कि कैसा होगा क्या है। फिलहाल हमारे पास तो OnePlus 11R ही है और ये काफी बढ़िया फोन है डेफिनेटली। और सिर्फ कैमरे के लिए मैं इसे रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि यार देखो कमेंट में मुझे बहुत से लोग कैमरे के साथ अच्छा परफॉर्मेंस वाला फोन लाने के लिए भी बोलते हैं, कुछ लोगों को हर चीज बैलेंस चाहिए तो ये उनके लिए परफेक्ट है। चलो अब इसकी भी सबसे पहले कैमरे की बात करते हैं। 50MP का वाइड लेंस है, OIS के साथ आता है, देन अल्ट्रा वाइड है और मैक्रो भी है, टेलीफोटो लेंस नहीं है। कैमरा सिंपल्स की बात करें तो OnePlus 11R की भी कहानी थोड़ी ऐसी ही है कि ये थोड़े सेचुरेटेड फोटोज लेता है, हालांकि देखने में अच्छे लगते हैं। V29 Pro जितने भी सेचुरेट नहीं करता। अगर आपको सोशल मीडिया लाइक Instagram, FB पर फोटोज अपलोड करने हो डायरेक्टली खींचो और अपलोड कर दो, एडिटिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वेल देखो ये कुछ कैमरा सिंपल से देख लो, काफी अच्छे से कलर बैलेंस कर रहा है, डिटेलिंग वगैरह यहाँ पर भी अच्छी मिल जाती है। हालांकि V29 Pro से अगर इसे कंपेयर किया जाए तो V29 Pro मुझे स्लाइटली बेटर लगा, स्पेशली सेल्फी कैमरा इसका बेटर नहीं है। वीडियो हालांकि आप अच्छी बना सकते हो, जाहिर है ये इसका सपोर्ट है, स्टेबल वीडियोस बना सकते हो। ओके अदर स्पेक्स की बात करें तो देखो डिजाइन काफी ठीक है, कर्व डिस्प्ले है, पर इसका वेट ना थोड़ा ज्यादा है 204 grams और थिकनेस भी उसी के हिसाब से है। बाकी जो पीछे कैमरे का डिजाइन है अच्छा लगता है। हालांकि अभी लावा अग्नि 2 5G, रियलमी 11 प्रो, प्रो प्लस, इन्होंने इसके डिजाइन की वैल्यू थोड़ी कम कर दी। वेल देखो 10 bit की एमोलेड डिस्प्ले है, 120Hz की HDR 10 प्लस मिलता है और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है कमाल की है, डे लाइट में यूज करने में कोई इशू नहीं होगा। हाँ सूरज चाचा से डायरेक्ट पंगा मत लेना, बाकी डे लाइट में यूज करने में भाई इसकी ब्राइटनेस काफी अच्छी है तो इश्यूज नहीं आएंगे। और यहाँ पर भी देखो पिक्सल डेंसिटी काफी बढ़ाकर दी गई है, रिजोल्यूशन ज्यादा है, डिस्प्ले क्वालिटी डेफिनेटली पसंद आएगी।
जो इसके कलर्स हैं काफी वाइब्रेंट बढ़िया लगते हैं। इसके अलावा एंड्रॉइड 13 मिलेगा विथ ऑक्सीजन ओएस 13। UI भी इसका आपको काफी पसंद आने वाला है। प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 4 नैनोमीटर का है ओनली, बट इसकी क्लॉक स्पीड काफी बढ़िया है और उससे भी बेटर है इसका परफॉर्मेंस और इसकी कंसिस्टेंसी। साथ में UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, सो ओवरऑल परफॉर्मेंस ना ये कमाल का निकाल के देता है। चाहे आपको गेमिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो, जो भी करना हो बढ़िया कर सकते हो। परफॉर्मेंस के लिए मैं कहूंगा धांसू फोन है। साथ में देखो दो स्पीकर्स भी हैं, वाईफाई 6 तक ये सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ 5.3 है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, 5000 एमएच की बैटरी है, 100 वाट की फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। बैटरी बैकअप इज क्वाइट गुड बट फास्ट चार्जिंग वेरी गुड। बाय द वे 5G बैंड्स यहाँ पर सिर्फ वो दिए गए हैं जो इंडिया में लॉन्च हुए हैं, टोटली 9 5G बैंड्स हैं। सो ओवरऑल इस फोन के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, एक परफेक्ट ऑलराउंडर फोन है, डेफिनेटली इसे कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको कैमरे के साथ परफॉर्मेंस, फास्ट चार्जिंग, बैटरी बैकअप और वन प्लस का UI एंड यूजर इंटरफेस ये चीजें भी बेटर चाहिए तब आपको इसकी तरफ जरूर देखना चाहिए। वैसे इतनी देर से वीडियो देख रहे हो तो नीचे लाइक बटन की तरफ भी जरूर देखना चाहिए और अगर दिल और बड़ा हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। ओके, अब नेक्स्ट है गूगल पिक्सल 7a। ये बड़ा ही जबरदस्त फोन है अगर बात की जाए कैमरे की। वैसे देखो अभी मैं रेंडमली फोन से बता रहा हूँ, थोड़ी ही देर में मैं इन्हें रैंक भी करूंगा कि सबसे बढ़िया कैमरा किसका है, सेकंड पर कौन है, थर्ड पर कौन है। इसके अलावा अपना गोल्डन सजेशन भी दूंगा। इसमें देखो 64 मेगापिक्सल का वाइड लेंस है, OIS के साथ आता है, देन अल्ट्रा वाइड, दैट्स इट, टोटली दो लेंस है। कैमरा सिंपल अगर देखें तो कैमरा क्वालिटी लाजवाब है, काफी नेचुरल फोटोग्राफी ये करता है, नेचुरल कलर्स ये प्रोड्यूस करेगा। खुद की या दोस्तों की फोटो लेने से पहले मुंह जरा धो लेना, नहीं तो सदमा भी लग सकता है, क्योंकि भाई ये काफी नेचुरल फोटोज लेता है, अपनी तरफ से ये ब्यूटी ऐड नहीं करेगा। बाद में अगर तुम फिल्टर लगाना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। वेल कैमरा सिंपल्स ये काफी बढ़िया निकालता है चाहे डे लाइट हो या लो लाइट। मुझे पर्सनली इसके जो कैमरा सिंपल्स हैं काफी बेटर लगे। डायनेमिक रेंज देखो ये कितनी प्यार से हैंडल कर लेता है, ऊपर से शेडोज अच्छी मेंटेन करता है, कॉन्ट्रास्ट परफेक्ट है। हालांकि थोड़ी सी क्वालिटी बेटर हो सकती थी जूमिंग में, हालांकि बहुत अच्छी है, पर क्योंकि हमने वीवो V29 Pro को देखा है, क्योंकि अब वहां पर डेली फोटो लेंस है, इस वजह से वहां जूमिंग क्वालिटी थोड़ी बेटर है, वो यहां पर थोड़ी सी कम है। बट अगर नॉर्मल फोटोज देखोगे काफी कमाल के आते हैं, डिटेलिंग वगैरह अच्छे से कैप्चर करता है और पोर्ट्रेट शॉट्स भी अच्छे ले सकते हो। वीडियोग्राफी की बात करें तो 4K 60fps तक ये चला जाता है। 60fps पर थोड़ी सी अनस्टेबल वीडियोज रहती है, बट 30fps पर अच्छी स्टेबल वीडियोज बना सकते हो एंड वीडियो के अंदर ही कैमरा शिफ्ट भी कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड, 2x वगैरह एसेट्रा। ओवरऑल कैमरे के अंदर आपको ये बिल्कुल भी डिसेटिस्फाइड नहीं करने वाला। अदर स्पेक्स की बात करें, वेट काफी नॉर्मल सा है, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है, IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है, ये अच्छी बात है कि यहाँ पर हमें IP रेटिंग मिलती है और वो भी काफी बढ़िया। अब IP रेटिंग लेने के अलग से पैसे लगते हैं, इस वजह से कुछ कंपनीज लेती है कुछ नहीं लेती, तो यहाँ पर ये तो क्लियर हुआ कि ये फोन वाटर प्रूफ है। AMOLED डिस्प्ले मिलती है बट रिफ्रेश रेट 40,000 रुपीज में भी 90Hz की है ओनली, 120Hz होना चाहिए था तो थोड़ा सा और स्मूथ फील होता, पर चलो ठीक है। 6.1 इंच की डिस्प्ले है, डिस्प्ले साइज छोटा है, जी हाँ, बहुत लोगों को स्पेशली लेडीज को छोटा फोन चाहिए होता है जो कि हाथ में इजीली आ जाए, तो उनके लिए परफेक्ट है। गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, गोरिल्ला ग्लास 5 होना चाहिए था जो कि ज्यादा ड्यूरेबल है। एंड्रॉइड 13 पर ये चल रहा है, एंड्रॉइड 14 का अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा अगर ये फोन परचेज करोगे, क्योंकि अपडेट से तो गूगल ही निकालता है और वो सबसे पहले अपने ही फोन में देता है। ओके, चिपसेट है गूगल की Tensor G2, पर इसे थोड़ा सा कैंसर हो गया, इस वजह से थोड़े हीटिंग इश्यूज मिलते हैं हेवी यूसेज पर। हालांकि परफॉर्मेंस अच्छा निकाल देता है, बट हाँ थ्रोटलिंग वगैरह मिली है, हीटिंग इश्यूज हुए हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना और गेमिंग वगैरह कर सकते हो। हालांकि मैं इसे प्रॉपर एक गेमिंग फोन नहीं कहूंगा क्योंकि ये हेवी नहीं, पर ठीक है नॉर्मली गेमिंग करनी है तो कर सकते हो। इसके अलावा देखो वाईफाई 6E तक ये सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ 5.3 है, दो स्पीकर्स मिलते हैं, जी हाँ स्पीकर्स की क्वालिटी भी बढ़िया है, NFC का सपोर्ट है, USB Type-C 3.2 है जो कि काफी ज्यादा फास्ट है, बट फिर भी इन कंजूसों ने 18 वाट की फास्ट चार्जिंग दी है ओनली, जबकि Type-C 3.2 में तो काफी ज्यादा फास्ट चार्जिंग ये यूज कर सकते थे, पर चलो बहुत ज्यादा भी नहीं करनी तो नॉर्मल तो कर लेते, एटलीस्ट 60 या 50 के अराउंड तो होने चाहिए था, लेकिन नहीं है। और एक और चीज मुझे अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने बैटरी एमएच ना काफी कम दिया है, हालांकि ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है और ऑप्टिमाइजेशन बेटर होने की वजह से बैटरी बैकअप ये ठीक ठाक निकाल देता है, पर फिर भी क्योंकि ये कोई लाइट वेट फोन तो है नहीं, 193 ग्राम वेट है, इसमें तो भाई 5000 एमएच की बैटरी बनती थी लेकिन नहीं थी। हालांकि ये एक एडवांटेज है वायरलेस चार्जिंग का, इसको जरा याद रखना। और लास्ट में बता दूं 5G बैंड्स भाई इन्होंने बोरा भर के दिए, जब भी फोन लेने जाओ एक कट्टा साथ में रखना, 5G बैंड्स अलग से उसमें डाल कर लाना। जो इंडिया में लॉन्च हुए हैं, इंटरनेशनली लॉन्च हुए हैं, उनमें से मैक्सिमम इन्होंने दिए हुए हैं। 5G यूज करने में तो कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी, सर्दियों में रजाई वजाई के अंदर भी बढ़िया चलेगा। सो ओवरऑल अच्छा फोन है, डिजाइन अच्छा है, छोटा फोन है, कर्व डिस्प्ले हालांकि नहीं है, चिन नीचे की थोड़ी सी ज्यादा है, ये कम हो सकती थी तो और बेटर डिजाइन लगता। इसके अलावा हीटिंग इश्यूज थोड़े से मिले हैं, थ्रोटलिंग होती है, सो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डाउन है, नॉर्मल यूसेज में कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ हेवी यूजर हो तब थोड़ा संभल कर। पर कैमरा बड़ा जबरदस्त है, लो लाइट डे लाइट फोटोज वीडियोस सभी कुछ बढ़िया है, और हाँ सेल्फीज भी ले सकते हो। फास्ट चार्जिंग कम मिलती है, पर हाँ वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, ये जरा याद रखना। सो ओवरऑल अच्छा फोन है, डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, पर अभी पिक्चर बाकी है।
बाय द वे ये रहे इसके कुछ टेस्ट रिजल्ट्स जो कि देख सकते हो और मुझे दुआएं दे सकते हो क्योंकि हर कोई नहीं बताता। ओके नाउ द नेक्स्ट फोन कम्स फ्रॉम नथिंग। नथिंग फोन 1 ने काफी बढ़िया अपना मार्केट कैप्चर किया, उसके बाद नथिंग फोन 2 आ गया। दिखने में काफी सिमिलर है, जैसी एक्सपेक्टेशन इससे रखी जा रही थी ऐसा तो इसका डिजाइन नहीं है, पर डिजाइन को गोली मारो अंदर जाको। कैमरे की बात करें तो वापस से इन्होंने वही गणित लगाई है, 50-50 मेगापिक्सल के दो कैमरे दिए हैं, एक वाइड तो दूसरा अल्ट्रा वाइड, बड़े मियां छोटे मियां। क्वालिटी कैसी है? बिल्कुल जैसे मुर्गा देसी है। कैमरा क्वालिटी यहाँ पर भी काफी ठीक है, दैट्स व्हाई लिस्ट में ऐड किया हुआ है, पर कहीं कहीं पर ना कुछ छोटी छोटी दिक्कतें मुझे लगी। हालांकि इसे थोड़ा सा कस्टमाइज किया जा सकता है, ये इनके यूआई की भी दिक्कत है। कैमरे की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम है, हालांकि कलर्स वगैरह अच्छे ले लेता है पर हाँ कंसिस्टेंट नहीं है। कभी कभी काफी बढ़िया फोटोज लेगा तो कभी कभी जैसे 10 में से एक बार दो बार ऐसा भी होगा कि वो फोटो उतना बेटर नहीं आ पाएगा, कलर्स की ऐसी तैसी हो जाएगी, और जब बैकग्राउंड में लाइट होती है तो वहाँ पर भी ये थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ दिखा है। और वीडियोस की बात करें तो वीडियोग्राफी काफी बढ़िया कर रहा है, स्टेबल वीडियोस बना सकते हो, 4K 30 FPS पर भी स्टेबलाइजेशन काम करता है, पर कुछ दिक्कतें भी लगी जैसे कि सेल्फी कैमरे में जिटरिंग महसूस हुई वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पर, जो कि UI से ठीक की जा सकती है, और जैसे कि मैंने बताया थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है। जूमिंग की जब बात आती है तो वहां पर फोटोज की क्वालिटी ये मेंटेन नहीं रख पाता, हालांकि नॉर्मल लेवल तक तो ये रखता है, पर अगर हम बात करें एक्सीलेंट क्वालिटी की तो वो नहीं है। 201 ग्राम का वेट है, 8.6 मिलीमीटर थिकनेस है, ग्लास बैक है और डिजाइन तो आपको पता ही है, चमचमाते हुए जुगनू है, एल्यूमिनियम का फ्रेम है, बिल्कुल मतलब नथिंग फोन 1 की कॉपी है काफी सारी चीजों में। IP54 रेटिंग यहाँ पर भी मिलती है और ये काफी कम है, इसका मतलब है कि चलो डस्ट से तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ पानी में अगर डुबकी लगवा दी तो फिर स्वाहा भी हो सकता है, थोड़े बहुत छीटों से दिक्कत नहीं है, बस इतनी ही कैपेसिटी है इसकी। एमोलेड डिस्प्ले है 10 बिट की, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, पीक ब्राइटनेस काफी बढ़िया है। हालांकि इससे पहले जो नथिंग फोन 1 था उसकी पीक ब्राइटनेस कंपनी क्लेम तो काफी ज्यादा कर रही थी, पर वो उतनी सपोर्ट ही नहीं करता था, जिसकी वजह से यूजर्स को डे लाइट में इश्यूज आते थे क्योंकि डिस्प्ले की ब्राइटनेस इतनी कम थी। वेल देखो इस फोन में इसके डिजाइन के अलावा एक और चीज बढ़िया है, दैट इज OS ऑपरेटिंग सिस्टम। इनका ऑपरेटिंग सिस्टम, इनका UI काफी बढ़िया है। फिर बढ़िया या घटिया ये अपने अपने ऊपर है, लेकिन काफी यूनिक है, हर एक चीज को कस्टमाइज कर सकते हो, कस्टमाइजेशन नेक्स्ट लेवल का है, काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, बढ़िया बढ़िया फीचर्स भी हैं। ओके परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 और इस प्राइस रेंज में हम ये डिजर्व करते हैं। हालांकि इन्होंने स्टोरेज टाइप का क्लियर नहीं किया, UFS 3.1 है या 2.2, बट आई थिंक मुझे जहां तक आइडिया है 3.1 स्टोरेज टाइप ही होगा। वेल परफॉर्मेंस ये भी काफी बढ़िया निकाल देता है, हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो, अच्छे से ये फोन लोड ले लेता है, कस्टमाइजेशन भी अच्छा किया हुआ है। सबसे अच्छी चीज की नॉर्मल हीटिंग तो सभी फोन्स में होती है पर ज्यादा हीटिंग नहीं मिलेगी। दो स्पीकर हैं, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.3, NFC भी सपोर्ट करता है, फिंगरप्रिंट अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल रहेगा, वैसे अल्ट्रासोनिक की हम उम्मीद लगा रहे थे। वेल 4700 mAh की बैटरी है, 45 वाट की ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, देन 15 वाट की वायरलेस एंड 5 वाट की रिवर्स वायरलेस, तो चार्जिंग के ऑप्शंस तो इन्होंने भर भर के दिए, साथ में 5G बैंड्स भी भर भर के दिए। वैसे इसकी प्राइस देखने के बाद लोगों ने इनको गालियां भी भर भर के दी थी, हालांकि अभी तो थोड़ी सी डाउन हुई है, 40,000 के करीब करीब ये बढ़िया फोन है, उससे ऊपर जाता है तो साइड में रख देना। बाय द वे प्राइसेस तो ऊपर नीचे होती रहती है, इस वजह से लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, जब भी वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कर लेना, सभी फोन्स के लिंक मिलेंगे, ऊपर से हमारा व्हाट्सएप और इंस्टा का भी लिंक मिलेगा, नया नया व्हाट्सएप चैनल अभी बनाया है तो जरा जुड़ जाना, न करे मत दिखाना। ओके अब देखो इसके ये कुछ टेस्ट रिजल्ट देख सकते हो, अंतुदी स्कोर्स कमाल के हैं, Geekbench 5 रिजल्ट भी बेटर है, तो जो भी है तुम्हारे सामने है। ओके अब अगर ओवरऑल बात की जाए तो देखो V29 Pro अच्छा कैमरा दे रहा है, कैमरे में कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन अदर स्पेक्स और थोड़े बेटर हो सकते थे। हालांकि इन्होंने V29 Pro का V29 जितना तो सत्यानाश नहीं किया, बट फिर भी कुछ चीज़ें बेटर हो सकती थी। नेक्स्ट OnePlus 11R, चूंकि एक बढ़िया ऑलराउंडर फोन है, कैमरा अच्छा है, परफॉर्मेंस तगड़ा है, डिस्प्ले वगैरह सभी चीज़ें मुझे बढ़िया लगी है। हाँ थोड़ा सा कैमरे में सेचुरेशन बढ़ा देता है, वो अलग बात है। नेक्स्ट Pixel 7 है, कैमरा टॉप लेवल का है, चाहे फोटोज लेनी हो या वीडियोज बनानी हो, पर हाँ प्रोसेसर कैपेबल नहीं है, थ्रोटलिंग होती है और इसका थोड़ा सा साइज भी कम है, तो जिन लोगों को छोटा फोन पसंद है उनके लिए ये परफेक्ट है। इसके अलावा नथिंग फोन 2 कैमरा यहाँ पर भी अच्छा है, अपने अलग यूनिक डिजाइन के साथ आता है, डिजाइन की वजह से आप इसे कंसीडर कर सकते हो, और वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग ये भी एक अच्छी चीज मिलती है। ओवरऑल अगर कैमरा वाइज रैंक किया जाए तो सबसे बेटर कैमरा है Pixel 7a का, एंड सेकंड नंबर पर मुझे लगा Vivo V29 Pro, और थर्ड पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है नथिंग फोन 2 या OnePlus 11R, दोनों में से किसी को भी रखा जा सकता है, काफी सिमिलर है, और मैं रखूंगा यहाँ पर नथिंग फोन 2 को। वैसे मैंने जो ये रैंक की है, आपको क्या लगता है, क्या इसमें कुछ ऊपर नीचे होना चाहिए, बता सकते हो? वेल चारों ही फोन्स के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया, कैमरे के साथ साथ अदर स्पेक्स के बारे में भी खुलकर बात की है, हमारी ईमानदारी और मेहनत के लिए थोड़ा सा प्यार तो बनता है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।